वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, Xiaomi की Mi A सीरीज इंडिया में काफी जानी मानी सीरीज मानी जाती है। इसमें आपको प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सबसे पहले Xiaomi ने Mi A1 को लॉन्च किया था, जो अपने टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर डिवाइस था। उसके बाद आया Mi A2, जिसका कैमरा परफॉर्मेंस काफी गजब का था, लेकिन ये फोन मार्केट में नहीं चल पाया, जिसका सबसे बड़ा रीजन था इस फोन की ओवर प्राइस। उसके बाद आया Mi A3, जो 13,000 रुपये के प्राइस रेंज में एक अच्छा पैकेज था, लेकिन ये फोन भी कुछ ज्यादा नहीं चल पाया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था इस फोन की HD+ डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये फोन भी नहीं चल पाया। अब Xiaomi बहुत ही जल्द Mi A4 को ला सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है Realme और Vivo जैसी ब्रांड को कंपटीशन देने के लिए। तो दोस्तों, Mi A4 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कंपेयर टू Mi A3? तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को याद से प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। तो इस फोन की डिजाइन Redmi Note 8 Pro जैसे ही देखने को मिल सकती है। रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, बैक साइड पे ग्लास यूज किया जाएगा और काफी अच्छे ग्रेडियंट कलर फिनिश के साथ ये फोन देखने को मिलेगा, जिसका लुक एंड फील Mi A3 से भी ज्यादा प्रीमियम होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो Mi A4 में डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Mi A3 से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फोन में हमें कैसी डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। ट्रेंड को देखते हुए Xiaomi इस फोन में फुल व्यू डिस्प्ले दे सकता है, जैसी डिस्प्ले हमें Redmi K20 में देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, आज की डेट में Realme 17,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर फुल व्यू डिस्प्ले ऑफर करता है, तो Xiaomi कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए फुल व्यू डिस्प्ले ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, सुपर एमोलेड और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, Mi A4 में हमें IPS डिस्प्ले मिलनी चाहिए या फिर AMOLED? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं प्रोसेसर की तरफ, जो इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर होने वाला है। तो आज की डेट में Realme Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर 16,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर ऑफर करता है, जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ है Realme X2। तो एटलीस्ट Xiaomi को कंपटीशन में बने रहने के लिए इस फोन में Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर देना ही होगा, अदरवाइज Xiaomi कॉम्पिटिशन से बाहर जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोसेसर की हाईलाइट। बेसिकली ये प्रोसेसर जो लोग अपने स्मार्टफोन में हाई एंड ग्राफिक पे गेम खेलना पसंद करते हैं, ये प्रोसेसर उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस प्रोसेसर की जो खास बात है, ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी जो चिपसेट का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है, और क्लॉक स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपको पावर एफिशिएंसी भी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस को लेके आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो Xiaomi का ट्रैक रिकॉर्ड बैटरी डिपार्टमेंट में काफी अच्छा है, तो उम्मीद है इस ट्रैक रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए Xiaomi इस फोन में 4000mAh की बैटरी ऑफर कर सकता है, जिसमें हमें 18W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस फोन में हमें Redmi Note 8 Pro की तरह क्वाड कैमरास का सेटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि 17,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर Realme क्वाड कैमरास ऑफर करता है, और वो भी 64MP प्राइमरी सेंसर के साथ। तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा 64MP का होगा, 8MP का वाइड एंगल लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा जो फोर्थ कैमरा होगा वो होगा 2MP का माइक्रो लेंस। वहीं अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 10 के साथ और साथ में एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये फोन स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, लेकिन जिनको Xiaomi का MIUI पसंद है ये फोन उनके लिए नहीं है। अब देखना ये होगा Xiaomi इस फोन की क्या प्राइस रखता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, तो इस फोन की प्राइस 17,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पेशली स्मार्टफोन मार्केट में आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही तेज है। बाकी दोस्तों आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस फोन से, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।